एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि अभी आपके जो पार्टनर है उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्योंकि अभी अभी हमारा 888 पोर्टल गया। जिन लोगों ने उस पोर्टल को मिस कर दिया, डोंट वरी, आपके लिए इसी अगस्त मंथ में दो और डेट्स हैं। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि एक डेट है 17 अगस्त और एक है 26 अगस्त। ठीक है, तो इसी को लेके हम चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस जो है 888 पोर्टल के बाद अभी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, अभी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है और उनके अंदर क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कल के दिन को यूज़ किया होगा, मैनिफेस्ट किया होगा आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन तक बात बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी, या फिर आप दोनों साथ बहुत जल्दी होंगे। ठीक है, क्या इस पर्सन की एनर्जी है इस वक्त? एंजल्स प्लीज गाइड अस, इस पर्सन की क्या इस वक्त एनर्जी है? साथ में मैं आपकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर चेक करूंगी। ठीक है, और आपकी क्या एनर्जी है इस वक्त? सबसे पहले अगर आपकी मैं देखूं तो ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन एंड अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, वर्गो एंड लिब्रा का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी जोड़ी वर्गो या फिर लिब्रा की हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा या फिर वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। अभी एक मैं बोल सकती हूँ कि न्यू मून ही गया, तो उसी फेज वही फेज अभी दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आएगा या फिर आ चुका है, जो आपको नहीं पता बहुत जल्दी दिख जाएगा, वो ये है कि आपके लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा आपका, चाहे इस पर्सन के साथ हो या फिर अगर यूनिवर्स का प्लान हो किसी और पर्सन, जो बेहतर बेटर पर्सन हो जिसके साथ आप आपका जीवन काट सकते हो, उस इंसान को वो आपको दे सकते हैं। तो यूनिवर्स इज़ लाइक, यूनिवर्स आपके साथ कुछ मुझे लगता है कि कुछ सही करने वाली है। यूनिवर्स चाहती है कि आपके साथ कुछ सही हो, अभी तक बहुत गलत हो गया है, तो आपके साथ चीज़ें सही हो किसी भी कीमत में। मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि चाहे आप एडजस्ट करने के लिए सोच लो, लेकिन भगवान या फिर यूनिवर्स आपको एडजस्ट करने नहीं देंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो पाना आपका हक है, आपको वो चीज़ ज़रूर मिले। ठीक है, और भगवान कभी भी आपको वो नहीं देते हैं जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो उन्होंने आपके लिए सोच रखा है आपकी लाइफ को बैलेंस करने का, आपके लाइफ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का, आपको जो चाहिए वो चीज़ दे के आपकी लाइफ को एक मोड़ देने का। आपको भगवान आपके फेवरेट पर्सन तभी देते हैं जब सही वक्त आता है, कभी भी नहीं दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कभी भी दे देंगे तो आप अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार दोगे। तो इसीलिए वो अपना सोच समझ के अपना समय लेके देते हैं। ठीक है, तो अगर ये उसी पर्सन को ही देंगे तो सही समय पे अभी आ गया है, वो इस वक्त आपको देंगे। ठीक है, अगर वो नहीं दे रहे हैं, कोई नया पर्सन ला रहे हैं, तो एक बेहतर बेटर पर्सन आपको देंगे जिसके साथ आप इस इंसान से भी ज़्यादा खुश रहोगे। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग यही इंसान को चाहते हो, तो जैसे मैंने बोला, भगवान की प्लान है, आप उस पर डाउट नहीं कर सकते हो। इतना ज़रूर प्रेयर करो कि खुश रहना है आपको, रिलेशनशिप जिसके भी साथ हो लेकिन एक सिक्योर एंड हैप्पी रिलेशनशिप हो। दूसरा, आपके लिए यहाँ पे आया है टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपको जितना देना था जो है आपने दे दिया है, और आपको थोड़ा और देना है। क्या देना है? मुझे कर्मा सुनाई दिया, तो हो सकता है कि कुछ बैड डेबिट हो, कुछ बैड कर्मा हो जो अनजाने में आपसे हुई थी या फिर हो गई थी या फिर होने वाली थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे किसी ना किसी तरीके से रिलीज होता हुआ दिख रहा है। किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें हटता हुआ जाता हुआ दिख रहा है। आप जो रोते भी हो, आपके जो आंसू भी निकलती हैं, वो एक फॉर्म ऑफ कर्मा है। उस आंसू के ज़रिए वो एक
कर्मा निकल जाता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, आप जब चिल्लाते हो आपके अंदर कुछ एक दर्द होता है तो चिल्लाते हो, कुछ पेन होता है कहीं पे तो बोलते हो, या फिर गुस्सा होते हो तो बोल के एंगर निकालते हो। तो आपका जो आंसू है वो पेन का एक फॉर्म है, जो जितना निकल जाएगा आपकी लाइफ उतनी डिटॉक्स हो जाएगी, उतनी साफ हो जाएगी, और आपके जीवन में खुशियाँ उतने ही जल्दी आएंगी, आपकी चक्रा उतनी ही जल्दी ओपन हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे अगर आप रो रहे हो, चिंता ना करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से गंध जा रही है। जितनी भी सारी गंध है, जितनी भी सारी मैं बोल सकती हूँ कि जो कि गलत है, आप सही इंसान हो, आपके साथ जो भी यहाँ पे गलत हुआ था वो सारी चीज़ें धीरे 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 निकल रही है। ये मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, कल मैंने यहाँ पे स्पेल किया था ना, तो थोड़ा सा जो है स्पेल पे जो हर्ब दिया जाता है, ऑयल दिया जाता है, वो यहाँ पे थोड़ा लग गया था, वही चीज़ मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर की फिर से एनर्जी देखते हैं। अगर अभी तक आपको रीडिंग पसंद आ रही है, उम्मीद करती हूँ कि आप इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर करोगे। एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर सजिटेरियस हो सकते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में दो फेजेस चल रहे हैं, आपका तो एक फेज चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में जिसको आप प्यार करते हो, जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लाइफ में दो दो फेजेस मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनके लाइफ में कुछ अनलकी वो थे, कुछ कुछ चीज़ों में बहुत अनलकी थे, कुछ कुछ चीज़ों में बहुत कुछ बुरा उनके साथ हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो है उनके लाइफ में सडनली एक मुझे गेन होता हुआ दिख रहा है, लक। हो सकता है कि शनि देव ने जिनका उनको जितना भी दर्द तकलीफ या फिर परेशानी देनी थी सब कुछ दे दिया, शनिदेव ने ये साल उनका ख़त्म कर दिया और उनके लक उनकी साइड आ गया। ऑल्सो लिब्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है, सजिटेरियस दिखाई दे रही है, तो आपके पर्सन के साथ मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। एक लाइक कर दो अगर इस रीडिंग को देख रहे हो तो। कहीं पे बार बार वो फेलियर हो रहे थे, इस 888 पोर्टल के बाद उनके लाइफ में एक वो खुला है, मैं बोल सकती हूँ कि वो एक होती है ना कि एक अच्छा दरवाज़ा खुल गया है, एक लकी दरवाज़ा खुल गया है, जहाँ से वो जो भी देखेंगे या फिर जो भी करेंगे वो लकी होगा। तो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लकी होते हुए या फिर कहीं ना कहीं लक उनके साइड में आके उनकी लाइफ में उनको खुशियाँ देती हुई दिख रही है। तो उनका तो डेफिनेटली यहाँ पे किस्मत खुला है। ठीक है, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते थे कि मेरा किस्मत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में काम नहीं बनते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे उनकी किस्मत पूरी तरीके से दरवाज़ा खुल गया है। इस वक्त वो जिस भी चीज़ के ऊपर हाथ रखेंगे या फिर जो भी चीज़ करने की कोशिश करेंगे, उनके लाइफ में वो चीज़ें डेफिनेटली होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में उनकी एक गुस्से के कारण या फिर उनकी जिद के कारण चीज़ें बहुत टफ चल रही थी, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, या फिर उनका एक होता है ना एटीट्यूड कम हो जाएगा। उनकी ईगो के कारण आप दोनों का बहुत समय से एक नहीं हो पा रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच में जो होता है ना कि उनका ईगो तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे, तो ये चीज़ जो होता था तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस चीज़ की वजह से आपके और आपके पार्टनर का बहुत बुरा समय, बुरा दौर चला था। तो ये चीज़ ख़त्म होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली ये पोर्टल उनके अंदर चेंज लेके आया है। ठीक है, एक होता है ना कि ईगो, एटीट्यूड दिखाना, गुस्सा दिखाना, दिखाना कि मैं सही हूँ, और दूसरा होता है अपने लिए स्टैंड लेना। ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, एक अड़ियल बन जाना अलग चीज़ होती है, और समझ के एक चीज़ के लिए जिद करना वो अलग चीज़ होती है। तो मुझे आपके पार्टनर का वो पहले अड़ियल थे, अपने चीज़ों में, अपनी बातों में अपने आप को सही मानते थे, इस रिश्ते में जो भी वो गलत काम करते थे उस चीज़ में वो अपने आप को सही मानते थे, लेकिन इस वक्त वो प्रैक्टिकल हो गए हैं। इस वक्त उनको चीज़ें समझ आने लगी है कि मुझे अड़ियल नहीं बनना है, मुझे चीज़ों को सोच समझ के आगे लेके जाना है। आफ्टर ऑल अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते को संभालना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ऐसे ही सोचता रहूँगा और एक दिन ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मुश्किल की घड़ी थी, जो मुश्किल की हालातें थी, जिस चीज़ की वजह से आप दोनों ही सफ़र हो रहे थे, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो मुश्किल की हालत
खत्म हो रही है, और उनका अगर मुश्किल खत्म हो रहा है या फिर उनका अगर चेंज आ रहा है उनके अंदर, तो अल्टीमेटली आपका रिश्ते में भी चेंज आएगा, क्योंकि वो अगर जिद्दी थे तो ये रिश्ता खराब हो रहा था, ये रिश्ता अभी अच्छा होना शुरू होगा क्योंकि इनकी जिद काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैमरा को एडजस्ट किया। ओवरऑल मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि काफी सारी बदलाव, काफी सारी स्ट्रॉन्ग चेंजेस ये पोर्टल लेके आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिश्ते में। ये एक सच में बहुत पावरफुल पोर्टल था, इससे आप दोनों जो है बहुत ज्यादा ही शॉकिंग चेंज पे गए हो। आपके लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए जैसे पुनर्जन्म ही आ गया है, या फिर जैसे भगवान ने आपकी किस्मत में, कल आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, जैसे भगवान ने आपकी किस्मत में वो चीज लिख ही दिया है, और वो चीज लिख दिया है। तो अभी अगर भगवान ने लिखा है ना दुनिया में, आपके पर्सन क्या किसी की हिम्मत नहीं है वो चीज़ आपको ना मिले। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन सुबह से आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ये तो गया 888 पोर्टल के बाद आपके पर्सन के अंदर क्या बदलाव। अभी हम देखेंगे कि मॉर्निंग से लेके ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल डिवाइन गाइड करे, सुबह से लेके ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या खुराफाती आइडियाज चल रहे हैं। और तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक अंक जरूर दे दे, और अपना लाइक का नंबर भी बताएं, जैसे मैं फ्री रीडिंग में करती हूँ यूट्यूब पे डेली, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे। और यहाँ पे कमेंट करोगे तो वहाँ पे आपका कमेंट दिखेगा, मुझे पता चलेगा रेगुलर वीडियो का भी व्यूअर हो, तो जल्दी क्वेश्चन ले लेती हूँ उनका मैं, एक सीक्रेट है ये। सुबह से ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, सुबह से काफी खुश होते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन का कार्ड है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुबह से उनको कुछ अपना काम को लेके या फिर कुछ चीज़ों को लेके गुड न्यूज़ मिला है, तो वो खुश है क्योंकि उनके लाइफ में सुबह से जो भी हुआ है मैं आपको वो चीज़ बोलूंगी, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को समझना। ठीक है, तो क्योंकि मुझे लगता है कि एक चीज होती है ना कि आपको ये भी पता चलना चाहिए कि उनकी लाइफ में रेगुलरली हो क्या रही है। ठीक है, सिर्फ फीलिंग्स का पता चला और चले गए, लेकिन आपको फिर साइड का स्टोरी पता नहीं चला कि अगर फीलिंग्स है तो क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है। तो दूसरी चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, सुबह से उनको काफी जगह पे सराहाया गया है, तो वो बहुत खुश है। सराहाया गया मतलब कि सुबह से बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, उनको जैसे मैं बोल सकती हूँ कि किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम के लिए, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, तो वो सारी मेहनत उनका रंग लाता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनको कुछ ना कुछ खुशियाँ मिलती हुई, कुछ ना कुछ उनके साथ चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। रिकॉग्निशन उनको मिला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मॉर्निंग से उनके लाइफ में काफ़ी आ चुकी है। नेक्स्ट मुझे द सन एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन सुबह से मुझे लगता है कि आपको ढूंढ रहे हैं, एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ वो ये खुशी बांट सके। कहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है, कहाँ पे खुशियाँ मिला है, कहाँ पे क्या इंसान कौन बोल रहा है, तो एक होती है ना फैमिली के साथ तो सब लोग शेयर करते हैं। अगर वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दो, लेकिन अपने प्यार के साथ और जो भी इंसान जेन्युइन है, ऐसे तो 10 लोग पार्टनर हो जाएंगे, लेकिन उन पार्टनर्स में से भी बहुत ऐसे पार्टनर्स होंगे जो आपका ग्रोथ देख के जेलसी फील करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वो इंसान हो जो जिसने कभी भी जेलसी फील नहीं किया, जिसने इस इंसान को हमेशा ही टॉप पे पहुँचाने की कोशिश किया, टॉप पे पहुँचने के लिए बातें बताई, टॉप मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि आप वो सिर्फ खुश रहे इसलिए आपने बहुत सारी उनको सलाहें दी, उनसे बात किया, तो आपके पर्सन जो है वही चीज़ उनके दिमाग से जा ही नहीं रही है। तो छोटी से छोटी सेलिब्रेशन, छोटी से छोटी जो भी खुशी उनके लाइफ में आ रही है, सुबह से जो भी खुशी वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं काश वो आपके साथ शेयर कर पाते। वैसे आप तक रीच आउट करने की एक दो बार मॉर्निंग से कोशिश किया है, देखा है कि मैसेज करूँ कि ना करूँ, फिर सोच के रुक गए कि शायद करना सही नहीं होगा,
और अचानक से तुम्हें ऐसा कोई न्यूज़ मैं दूँ लाइफ के बारे में, शायद तुम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो कभी समय देख के तुम्हारे साथ चीज़ें शेयर करूँगा या फिर तुम्हारे साथ बातें शेयर करूँगा, ठीक है? ये सोच के ये पर्सन सुबह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं। व्हाट इज नेक्स्ट बता दीजिए हमें एंजल डिवाइन। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बातें पचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? जमना एक्वेरियस लिब्रा एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस, दोनों यहाँ पे एनर्जी है। देखो एंग्जाइटी एंड ए विश, जो उनकी इच्छा पूरी हुई है, जो उनकी विश है वो कब तक पूरी होगी, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो उनका प्यार को लेके, लव लाइफ को लेके, आपको लेके जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनके मन में है, हर एक इंसान का अपने रिश्ते को लेके कुछ प्लानिंग्स होती है, तो आपके पर्सन का भी आपको लेके कुछ ना कुछ प्लानिंग डेफिनेटली है यहाँ पे। तो जो भी उनका प्लानिंग है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो टेंशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं। कल रात तो उनको नींद भी नहीं आई। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे हैं जो कल रात सोए ही नहीं, कल रात कोई और ही दुनिया में, कोई और ही टेंशन में थे। तो ये सब चीज़ें का जो टेंशन उनके लाइफ में चला था ना, वो बहुत मतलब अलग तरीके का चला था। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि उनके लाइफ में जो अच्छा हुआ है या फिर उनके लाइफ में जो वो कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके साथ वो जो बांटना चाहते हैं या फिर वो अपनी पसंदीदा इंसान के साथ बांटना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो रहा है, क्योंकि पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है उनकी, वो बातें नहीं बता पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कि वो मैसेज करें तो वो आपको अपने इमोशंस दिखा नहीं पाते हैं, कॉल करके आपको इमोशंस बता नहीं पाते हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर मिलने से भी बहुत अपने इमोशंस को जता नहीं पाते हैं। तो ये एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि तुमको मैं कैसे हर एक अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें बताऊं जो मेरे साथ हो रही है और जो मेरे दिल में चल रहा है, ठीक है? एंडिंग्स, अगर कुछ जाने अनजाने में आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हुई है तो उस चीज को लेके वो बहुत परेशान है। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का? द वर्ल्ड रीजनरेशन, उनके अंदर जैसे होती है ना कि अपने आप को चेंज करने की एक ताकत होनी चाहिए, तो थोड़ी देर उनको समय दो, अपने आप को वो थोड़ा चेंज करे, रीजनरेट वो हो, जिस भी जगह पे वो फंसे हुए हैं उस जगह से बाहर निकलने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उनको समय लगेगा, इसीलिए वो आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं, ठीक है? सो डोंट वरी, चीज़ें सही हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को करती हूँ ख़त्म और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।